मूर्ति पूजा क्यों करें, ईश्वर को क्यों माने, मोक्ष क्या होता है, साकार निराकार, नास्तिक और आस्तिक सदियों से वाद-विवाद जारी है और अनंत काल तक ये रहेगा। मूर्ति में क्या, भगवान तो हर जगह है। मंदिर एक जगह बनी आस्था के लिए, जैसे पढ़ाई लिखाई कभी भी हो सकती है, पर एक विद्यालय बनता है उसे सही तरीके से चलाने के लिए। मंदिर भी धार्मिक स्थल उसी विद्यालय की तरह है और भगवान की मूर्ति एक शिक्षक के जैसी है, जो मंदिर में आने वाले सभी प्रकार के कर्मों वालों को उनके कर्मों के अनुसार उनके पूरे जीवन फल देती है। विवादों को हटा दे और आस्था के नजरिए से देखे तो जिस भगवान की मूर्ति होती है, ऐसा माना जाता है कि उस मूर्ति में भगवान स्वयं वास करते हैं। और हमें अपने आसपास ऐसे बहुत सी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है, जो कोई मूर्ति दूध पीने लगती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भगवान हनुमान जी की मूर्ति के अंदर से आवाज आने लगी और मूर्ति लगी पुजारी से गर्म कपड़े मांगने। भोपाल शहर के एक गांव में हनुमान जी का बहुत छोटा सा मंदिर था, लेकिन काफी चमत्कार मंदिर होने के कारण वहाँ हर दिन भीड़ लगती रहती थी। उसी मंदिर के पुजारी ब्रह्मनंद जी, जो प्रतिदिन मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूजा पाठ किया करते थे, एक दिन ठंड के दिनों में दोपहर के समय मंदिर के पुजारी कुछ भक्तों के साथ बैठकर धर्म कर्म की बातें कर रहे थे। वही बैठा एक भक्त जो पुजारी जी से पूछता है कि क्या भगवान को भी ठंडी लगती है। इस पुजारी उस श्रद्धालु को बताता है कि हाँ, लगती ही होगी और नहीं भी, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है और वो इन सब से ऊपर होंगे। वो श्रद्धालु जिज्ञासावश पूछता है कि अगर लगता होगा तो क्या हनुमान जी की इस मूर्ति को भी ठंड लगती होगी। जिसको सुन पुजारी जी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि भला हनुमान जी को कहां से ठंड लगी होगी, हनुमान जी तो खुद इतने बलशाली है, ठंड हनुमान जी को कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वहां एक आवाज सुनने को मिलती है कि अरे भाई, तुम लोगों को किसने बोला कि मुझे ठंड नहीं लगती। अचानक से आवाज सुन पुजारी और उस समय जो भक्तगण वहां मौजूद थे सभी खड़े हो जाते हैं और अपने चारों तरफ देखने लगते हैं कि आवाज आखिर आ कहां से रही है। तभी फिर आवाज आती है कि इधर उधर कहां देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ हनुमान। सब लोग जब मूर्ति की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि सच में हनुमान जी की मूर्ति में से आवाज आ रही है। हनुमान जी फिर से बोलते हैं कि उनको ठंड लग रही है और उनको गर्म कपड़ों की जरूरत है। पुजारी जी तथा अन्य लोग हाथ जोड़ खड़े थे, उनको तो मानो जैसे सांप सुन गया हो। हनुमान जी फिर बोलते हैं कि अरे भाई, कुछ तो बोलो, ला रहे हो या नहीं। इस पर पुजारी जी तुरंत बाजार को भागता है और बाजार में चिल्लाते हुए जाता है कि हनुमान जी की मूर्ति बोल रही है और हनुमान जी ने गर्म कपड़े मांगे हैं। बाजार के लोग सोचने लगते हैं कि पुजारी अचानक से पागल तो नहीं हो गया। वही पुजारी गर्म कपड़े लेकर मंदिर की तरफ भागने लगता है। कुछ लोग पुजारी के साथ साथ उसके पीछे भागने लगते हैं, ये देखने के लिए कि क्या पुजारी सच में सच बोल रहा है। मंदिर पहुंचकर पुजारी जी हनुमान जी को कपड़े पहनाते हैं। वही लोग पुजारी से बोलते हैं कि हनुमान जी बोल क्यों नहीं रहे। तब पुजारी हनुमान जी की मूर्ति से आग्रह करता है कि वो एक बार तो बोले, नहीं तो लोग उसे पागल समझेंगे। तब हनुमान जी बोलते हैं कि हाँ भाई, ठंड लग रही थी इसलिए गर्म कपड़े मंगाए। इतना सुनते ही मंदिर के अंदर जय श्री राम का जय जयकार लगने लगा। वहाँ के विधायक ने बहुत भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया और आज वहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो आपको अगर हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।